जब कुछ खास मौके हो, त्यौहार के समय में, और जब घर पर कुछ मीठा बनाना हो कुछ खास मेहमानों के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इजी रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है पर खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि सारे मेहमान और घर वाले तारीफ ही करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक लीटर फुल क्रीम दूध को इंडक्शन पर एक उबाल आने तक तेज़ आंच पर रखा है। दूध में एक उबाल आ गया है, आज को मीडियम कर लेते हैं। मीडियम आंच पर दूध को आधा होने तक इसे हम पका लेते हैं। पकाने के लिए हम बार बार चलाते रहेंगे जिससे तली में न लगे। दूध पककर आधा हो चुका है, आधा कटोरी चीनी ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मैश की हुई एक कटोरी पनीर ऐड करते हैं, पका लेते हैं मिक्स करके। एक पिंच येलो फूड कलर ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लिया है, खीर बनकर तैयार हो गई है। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। खीर बनकर तैयार है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज पनीर की खीर बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी रेसिपी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।